नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पाप पुण्य धर्म अधर्म की अधिक मान्यता है। हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य को कैसे 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मोक्ष क्या है, जिसके लिए हर योगी सभी ऋषि मुनि अपने जीवन भर कष्ट उठाते हैं, वो मोक्ष क्या है? आज हम इसी बात को विस्तार से समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। हर हिंदू को ये ज्ञान होना चाहिए। आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हर प्रकार के उपदेश दिए, मानव जीवन के सभी विकारों से मुक्ति पाने के मंत्र दिए, और जिस व्यक्ति ने गीता को पढ़ा और उसे समझा, फिर उसने जाना कि दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान गीता में मौजूद है। आपके अंदर कोई भी शंका हो, उसका उत्तर आपको भगवत गीता में मिल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या क्या है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष पाने के कई सारे द्वार बताए हैं, ध्यान योग, प्रेम योग, कर्म योग आदि। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष पाने का सबसे आसान और सरल तरीका कौन सा बताया है। जिस विधि से मनुष्य कितना भी पापी, कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, मृत्यु के क्षण में वह तुरंत मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे ऐसे ही गवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, लेकिन मनुष्य की अज्ञानता इतनी है कि इस मोक्ष के अवसर को वह गवानता रहता है, अपना पूरा जीवन भोग विलास में बिताता है। इतना ही नहीं, जब मनुष्य मृत्यु शया पर होता है और उसके मृत्यु का क्षण होता है, उस समय भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए मृत्यु के समय जो वासना उसके मन में सबसे शक्तिशाली होती है, उसी वासना के मुताबिक उसे अगला जन्म मिलता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई यह एक गुप्त विद्या है, यह एक मरने की विद्या है, और जो इस विद्या को जान लेते हैं, वह अपने जीवन में कितने ही पापी क्यों ना रहे हो, मृत्यु के समय इस विद्या का उपयोग करके, उस परमात्मा का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष अर्थात जन्म मरण से मुक्ति। फिर दोबारा वो एल इस पृथ्वी पर नहीं आते, पृथ्वी के अनेक सुख और दुखों से दूर आनंदमय हो जाते हैं। अर्जुन पूछता है कि हे केशव, मृत्यु के समय बड़ा ही कष्ट होता है, अब चाहे वह किसी घातक हथियार के जरिए हो या फिर प्राकृतिक मृत्यु हो, क्या इसे आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। कृष्ण ने कहा, यदि व्यक्ति मृत्यु के समय मेरी बताई हुई विधि को अपनाएगा, तो वह सीधा मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, वह गोपनीय ज्ञान या विधि क्या है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर, अर्थात उन्हें वश में कर और अपने मन को अपने हृदय में स्थिर करके, अपने प्राण ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में स्थापित करके, उस परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करें। मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों ना रहा हो, उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा। देखा कितनी आसान विधि बताई है भगवान श्री कृष्ण ने। ओम केवल एक शब्द नहीं है, सभी मंत्रों का परम मंत्र है, इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना की सफलता का केंद्र बिंदु ओम है, सिद्धि प्राप्ति का सूत्र भी ओम है। यह वो मंत्र है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टि की उत्पत्ति है। इस ब्रह्मांड को जन्म देने वाला भी यह परम मंत्र है। जीवन में ओम के उच्चारण से शरीर के हृदय कमल में आत्मा की ज्योति हमेशा प्रकाशित रहती है, और मृत्यु के समय जब कोई मनुष्य ओम का उच्चारण एक सुर में करता है, तो इस क्षण में आत्मा और परमात्मा दोनों ही महासुख में होते हैं, आनंद में होते हैं, और दोनों ही मिलने के लिए एक दूसरे से व्याकुल हो जाते हैं, जैसे युगो युगो से बिछड़े हो। सभी सांसारिक सीमाओं को तोड़कर एक दूसरे के भीतर समा जाने को व्याकुल हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने इसे मुक्ति का द्वार भी कहा है, लेकिन हम इस छोटे से महत्व को समझ नहीं पाते, और इसी कारण हमारे शरीर की रचना उस ईश्वर ने विशेष रूप से की है।
हमारे इस शरीर को ब्रह्मांड के रूप में दर्शाया गया है। हमारा शरीर इस ब्रह्मांड का एक केंद्र बिंदु है। इसमें सभी लोकों का निवास है। मानव शरीर में पैरों से नाभि तक भूलोक दर्शाया गया है। नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष यानी आकाश लोक और कंठ से सहस्रार तक स्वर्ग लोक को बताया गया है। और सिद्ध योगी मानव शरीर के इस बनावट को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए सिद्ध योगी अपना शरीर त्यागते समय अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाकर विशुद्धि चक्र अर्थात कंठ में ले आते हैं और विशुद्धि चक्र से आगे आज्ञा चक्र से कपाल में ले जाकर सहस्त्रार चक्र पर स्थापित करके अपने प्राण निकाल देते हैं। हम साधारण इंसानों को इस विधि के बारे में कुछ नहीं पता होता और इसीलिए साधारण मनुष्य के प्राण दूसरे द्वार से निकलते हैं, ज्यादातर मूलाधार चक्र से। लेकिन ज्ञानी पुरुष की प्राण ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से ही निकलती है। ज्ञानी पुरुष की मृत्यु के समय सहस्त्रार चक्र यानी उसके कपाल की तरफ से क्षतिग्रस्त हो जाता है और इसीलिए सनातन धर्म में मनुष्य की चिता जलाते समय उसकी कपाल पर डंडे से मारने की प्रथा चली आ रही है। ज्ञानी पुरुष के तो यह स्वत ही हो जाता है, लेकिन हमारी प्रथा के अनुसार हम जबरदस्ती सहस्त्रार चक्र पर चोट करते हैं। मित्रों, जबरदस्ती मोक्ष पाया नहीं जा सकता। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कितनी सुंदर व्याख्या की है। मनुष्य के जीवन में केवल दो समय बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसके जन्म का और दूसरा उसकी मृत्यु का समय। जो मृत्यु के समय अपने होश में रहकर ओम का ध्यान कर लेता है वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा मोक्ष प्राप्ति की सबसे आसान विधि। परंतु क्या हर कोई इस आसान विधि को कर पाएगा? इसलिए इस बात को ब्रह्मसूत्र के भाष्य में श्री आदि शंकराचार्य बताते हैं कि मृत्यु के समय 100 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने जितना दर्द होता है। आंखें धुंधलाती हैं और घोर रूप में खड़े यमदूत हमें दिखाई देते हैं। उस समय जीवन भर किए पापों के कारण भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता और गला सूखने लगता है। इसीलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह इस ज्ञान का सदा ही अभ्यास करता रहे, जिस अभ्यास के कारण ही अंतिम समय में ओमकार का ध्यान कर पाएगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। मित्रों, आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। अगर आप चाहते हैं कि ओमकार की साधना और ध्यान पर एक वीडियो बनाया जाए तो हमें कमेंट में बताएं। आप चैनल को सब्सक्राइब न करें तो भी कोई बात नहीं, परंतु इस वीडियो को 5 लोगों तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।